हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। हम अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अचीवमेंट टेस्ट के बारे में हमारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। कल हमने आइटम एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और डिफ़िकल्टी वैल्यू निकालनी सीखी थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेटिव पावर क्या है और डिस्क्रिमिनेटिव पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक कोटेशन है, अकॉर्डिंग टू ब्लड एंड बर्ड, डिस्क्रिमिनेशन पावर इज दैट एबिलिटी ऑफ एन आइटम ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन सुपीरियर्स एंड इन्फीरियर्स। देखो, डिस्क्रिमिनेशन पावर एक ऐसी एबिलिटी है किसकी, आइटम की, जिसके आधार पर हम बच्चों का डिवीजन कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सुपीरियर ग्रुप बना दिया हमने, इन्फीरियर ग्रुप बना दिया, सुपीरियर इन्फीरियर दोनों अलग अलग ग्रुप बना दिए। इस प्रकार से हम किसके आधार पर बच्चों का डिवीजन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर के आधार पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पावर को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। ये इसका फॉर्मूला है, डी पी इज इक्वल टू एन यू माइनस एन एल डिवाइड बाई एन बाई टू। एन यू क्या है, जो हमारा पहले का फॉर्मूला था ना डिफ़िकल्टी वैल्यू निकालने का, सेम है। एन यू हमारे अपर ग्रुप के बच्चे हैं, अपर ग्रुप में से जो हमने 27% बच्चे लिए थे वो हैं, और एन एल जो हमने 27% लोअर ग्रुप के बच्चे लिए थे वो हैं, और उसमें हमने क्या किया था, एन यू प्लस एन एल किया था डिफ़िकल्टी वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन इसमें हमें n/2 करना है, जैसे कि हमारे 27 इसके थे और 27 इसके थे, 27 54 हम ले रहे थे, लेकिन इसमें हम 27 ही लेंगे, n/2। टोटल हमारे n कितना हुआ हमारा, 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हम कितने लेंगे, 27। देखो मान लो 100 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, उसमें 50 ऊपर के अपर ग्रुप के और 50 लोअर ग्रुप के हो गए, उसमें से हमने 27 बच्चे लिए। अब हम देखेंगे कि 27 बच्चों में से किसने एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, कितने बच्चों ने। तो मान लो 27 में से 25 बच्चों ने उस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू 25 आ गई। और लोअर ग्रुप में 27 में से 15 ने सही आंसर दिया है, तो 25 माइनस 15 डिवाइड बाई 27 कैसे आया है, क्योंकि n को हमने 2 से डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n/2। ठीक है बच्चों, तो फिर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई 0.37। इसी प्रकार हमने दूसरे क्वेश्चन की डिस्क्रिमिनेटिव पावर निकाली, कैसे, अपर ग्रुप जो था हमारा उसमें 27 बच्चों में से 20 ने दिया है सही आंसर, और लोअर ग्रुप के 27 बच्चों में से 15 ने सही आंसर दिया है, तो 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 27। हमने फिर इसको आगे कैलकुलेट कर लिया, हमारी वैल्यू आई 0.18। इस प्रकार सभी की हम डिस्क्रिमिनेटिव पावर निकाल लेंगे। जैसे हमने कितने क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन थे, इस प्रकार हम सभी की डिस्क्रिमिनेटिव पावर निकाल लेंगे। फिर डिस्क्रिमिनेटिव पावर निकालने के बाद हमें एबल्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये एबल्स की गाइडलाइंस है। एबल्स क्या कहता है, अगर आपकी वैल्यू, आपके क्वेश्चन की वैल्यू 0.40 आती है या इससे ऊपर आती है, तो वो किस कैटेगरी में क्वेश्चन जाएगा, वो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री, द आइटम इज सेटिस्फैक्ट्री, वो आइटम हमारा क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा। उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि हमारे फाइनल ड्राफ्ट में हम ऐड कर देंगे। फिर क्या कहता है एबल, कि अगर आपकी वैल्यू 0.30 से लेकर 0.39 के बीच आती है, तो क्या कहता है, नो रिविजन इज रिक्वायर्ड, यानी कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर
क्वेश्चन की वैल्यू 0.20 से लेकर 0.29 के बीच आती है तो उस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मॉडिफिकेशन की रिक्वायर होगी, तो उसको या तो हम मॉडिफाई करके ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, या उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारे क्वेश्चन की वैल्यू डिस्क्रिमिनेटिव पावर कितनी आती है, 0.19 आती है या 0.19 से कम आती है, तो उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि वो क्वेश्चन हमारे ड्राफ्ट के लायक नहीं है। इस प्रकार हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर निकालनी है। डिस्क्रिमिनेटिव पावर निकालने के बाद हमें इसको क्या करना है, एबल्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रखना है। एबल्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रख के फिर हमारा फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। तो इस प्रकार हम डिस्क्रिमिनेटिव पावर निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फिर से समझ लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।